दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आपसे निवेदन है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में मैं आपको दुर्गा कुंड पर स्थित मानस मंदिर का दर्शन करा रहा हूँ। इस मंदिर का कैंपस काफ़ी विशाल है और बाउंड्री वॉल के अंदर काफ़ी ज़मीन है, किंतु इस मंदिर में एक बहुत बड़ी कमी है कि इसमें कोई साइकिल स्टैंड नहीं बनाया गया है। अब यह मंदिर बिल्कुल रोड पे है, जिस जगह पे है वहाँ पे फुटपाथ के लिए भी जगह नहीं बची हुई है और रोड पे दर्शनार्थी अपने वाहन को, चाहे वह साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो या फिर कार वगैरह हो, खड़ा नहीं कर सकते। तो ऐसे में कोई भी दर्शनार्थी अगर अपने वाहन को अंदर खड़ा करना चाहे तो सिक्योरिटी गार्ड समस्या पैदा करते हैं और रोड पे गाड़ी को खड़ा करना या वाहन को खड़ा करना ऐसे भी ट्रैफिक के नियमों के विरुद्ध है। और रोड पे जगह बिल्कुल भी नहीं बची है जहाँ पे दर्शनार्थी अपने वाहन को खड़ा करके मंदिर के अंदर आ सकें। अब हम मंदिर के प्रांगण में आ चुके हैं। काफ़ी विशाल प्रांगण है और इस मंदिर की दीवालों पे रामचरितमानस लिखा गया है। पूरा का पूरा रामचरितमानस मंदिर की दीवारों पर लिख दिया गया है। यह मंदिर मुख्य रूप से सावन के महीने में ज़्यादा पॉपुलर रहता है दर्शनार्थियों के बीच। सावन के महीने में यहाँ दर्शनार्थी दूर दूर से बड़ी संख्या में आते हैं दर्शन करने के लिए। अब हम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ रहे हैं। सीढ़ियों पे थोड़ा अंधेरा है इसलिए वीडियो में आपको कुछ दिख नहीं पा रहा है। कुछ ही पलों में हम फर्स्ट फ्लोर पे होंगे जहाँ पे लाइट की पूरी व्यवस्था होगी। अब हम लगभग फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं और यहाँ पे लाइट का पर्याप्त व्यवस्था किया गया है और ऊपर भी दीवालों पे रामचरितमानस लिखा गया है। और देखा जाए ऊपर से नीचे का नज़ारा तो काफ़ी भव्य दिख रहा है। यह मंदिर बनारस के प्रसिद्ध मंदिर